इस बस को देखते हुए अब जो मैं काम करने जाऊँ, पहले मैं चुनाव चढ़ूंगा, उसके बाद जो जीतता हूँ उसके मैं बताऊंगा मैं क्या क्या काम करना चाह रहा हूँ। अभी तो प्रेजेंट मैंने जो काम किए हैं, जैसे गैस योजना है और महिलाओं के लिए पेंसिल है, गरीबों के लिए पेंसिल है, मृत्यु सर्टिफिकेट है और काफ़ी अन्य ये योजना लगी मैं उनमें मैंने काम किया है और यहाँ की लोगों को मैंने काम करके मैंने दिखाया। ये सब काम क्यों करते हो, क्या मिलता है आपको समाज सेवी करने से? कुछ ही मिलता है, शुरू से मुझे दिलचस्प रहा, लगाव रहा है और मैं करता चला आ रहा हूँ। मैं कक्षा आठ क्लास में मैंने काम को पढ़ाई की थी, कक्षा आठ क्लास में बी ए की, एम ए की, उसके बाद इंटर करके इंटर करके बाद मैंने बी ए की वो हाई स्कूल की बी ए की और एम ए की आई टी की और साथ ही मैंने फिर मैंने उसके बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी और इस काम में लग गया, राजनीति काम में लग गया, समाज सेवी स्वच्छता के काम में लग गया हूँ। आप पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हो, अगर विजय रहे भगवान की कृपा से तो आप क्या कर दिखाओगे 5 साल के अंदर? वो तो जब विजय होगी उसके बाद फिर पता चलेगा। आप ये है कि पिछले साल जो 5 साल हमने जो काम किया उससे दोगुना तिगुना काम करके हम दिखाएंगे। भाई साहब, आपके वार्ड के अंदर पहली बार वार्ड नंबर 4 से कंचन वर्मा जी खड़े होने जा रहे हैं, आपको कितना विश्वास है ये काम कर दिखाएंगे कि नहीं? जी वो करते हैं, काम करते चले आ रहे हैं। इधर जो अपना मंदिर है वहाँ पर भी काम करते, वहाँ पर भी देखते हैं, यहाँ पर भी देखते हैं, सब लोगों को इकट्ठा करते जोड़ जोड़ और अपना पेंसिल वगैरह और ये सब कराया इनने और हम ऐसे चाहते हैं कि प्रत्याशी हमारा जीते। आप बाट बात हो कंचन वर्मा के बाट के, आपने कंचन वर्मा को ही क्यों चुना चुनाव के अंदर? देखिए सर, एक्चुअली क्या है कि जो कंचन वर्मा जी हैं वो हर काम में अग्रसर रहे हैं। जैसे कोई भी सामाजिक कार्य हो, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम आ गई हो वार्ड के अंदर, सबसे पहले वही आते आएंगे और सबसे ज्यादा ये कि वो यंग है, अभी सबसे यूथ वही है इस वार्ड में। और कोई कार होता है, कोई काम आता है तो वही जाते हैं सबसे पहले, और कोई मुझे नहीं देखा कि कोई जाता हो इतना ज़्यादा। और वो यूथ है, उनके घर पे हर मैंने देखा है कि पर डे 4-5 बंदे आते रहते हैं कोई भी काम। अभी भी कोई वैसे चुनाव नहीं हुआ है लेकिन अभी भी रोज काम होते रहते हैं उनके, बिना निस्वार्थ काम करते हैं वो, और फिर जीतने का तो फिर अलग ही वो रहेगा। जी सबसे बड़ा श्रेय किसको मानते हो ये सब काम के लिए? सबसे पहले तो सर जाएगा, पहले तो जब विजय होते हैं तो पहले तो सामने मेरी जगदम्बा माँ है, जिनकी आशीर्वाद से।